सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। यार आज मैं बात करने वाला हूँ इंटर सर्वर के बारे में। आप लोगों को ये तो पता होगा, इंटर सर्वर एक होस्टिंग प्रोवाइडर है और ये काफ़ी बढ़िया होस्टिंग प्रोवाइड करता था। और अब इसका कैसे रिव्यू है मैं वो भी बताऊंगा। मैंने 2019 में भी किया था और बताया था कि यार ये काफ़ी बढ़िया है, कम प्राइस पे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अब इसकी सर्विस कैसी है, उस टाइम पे थोड़ा नया था इंडिया में तो सर्विस कैसी थी, अब कैसी है और क्या चीज़ें आपको जानने जरूरी है इसके बारे में, अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यार यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आपको होस्टिंग बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए और इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बस यार तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये होस्टिंग को यूज़ करते करते अराउंड मेरे को 9 से 10 महीने हो चुके हैं। जब मैं पहले यूज़ करता था इसे, उससे पहले तो इसकी स्पीड फिर भी बेटर थी और अब जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। अभी आप देखोगे इसका एक प्लान चल रहा है $2.50 पर मंथ का। इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड अल्ट्रा SSD, बिल्कुल सही है, ये कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 450 प्लस क्लाउड एप्स मिलती है जिसमें आपका वर्डप्रेस आता है, जूमला आता है, ये सारे के सारे आप ऐप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सारे ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साइट पैड वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट मिल जाते हैं ग्लोबली, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ये मिलती हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे कैसे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इनकी जो इंटरशील्ड सिक्योरिटी है वो फ्री में, जिसमें आपको ब्लॉक वेब अटैक्स मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक वायरस स्कैनर भी मिलता है, मशीन लर्निंग फायरवॉल मिलता है और इन हाउस मेलवेयर डाटाबेस मिल जाता है। और इसके साथ साथ उसके बाद नीचे आते हैं नेक्स्ट चीज़ की पॉइंट जो इन्होंने मेंशन करा है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटर प्रॉक्सी कैचिंग प्लस क्लाउड फ्लेयर, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे आएंगे तो इसी तरीके से इनकी सारे के सारे चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। इजी टू यूज़ कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, प्राइस लॉक गारंटी मिल जाती है, मतलब इसमें वही होता है कि अगर आपने $20 में बाय करा है तो आपको हर साल $20 ही देने पड़ेंगे, आपको $25 से $30 नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। गारंटेड ईमेल डिलीवरी, ठीक है। फ्री माइग्रेशन सर्विस मिल जाती है, 50% सर्वर कैपेसिटी मिल जाती है, $7.99 में डोमेन रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अफोर्डेबल ई कॉमर्स सॉल्यूशन टू एम्पावर योर स्टोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है और इनके कुछ मेन फीचर्स हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, जो ऊपर मेंशन करे हैं सेम यहाँ पे मिल जाता है। अल्ट्रा फास्ट वेब सर्वर मिल जाता है लाइट स्पीड के साथ और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर से ट्राई करके क्लिक करके चेक कर सकते हो। ट्राई पे क्लिक करोगे वो डेमो सी पैनल आपको दिखा देंगे, तो इस तरीके का सी पैनल इनको देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये सी पैनल है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब अगर मैं बी फ्रेंक बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लगभग 2008 और 9 में ये सी पैनल हुआ करते थे। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर से आपको कुछ फीचर्स दिखाया था, कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अपने अकाउंट के अंदर। उससे पहले मैं इसके आपको सर्विस सेंटर्स भी दिखाया था, सर्विस सेंटर नहीं डाटा सेंटर, सॉरी। इसके 4 डाटा सेंटर हैं जो इंडिया में नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हो, ये दोनों यहाँ पर हैं और ये टोटल मिला के 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके 4 हैं और इसके अलावा कहीं भी इसका डाटा सेंटर नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, लॉस एंजलिस में है, सियास्को में है और बाकी कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक है आज के टाइम पे, क्योंकि यार अब आपको भी पता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए तभी जाके आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डाटा सेंटर आपके नियर बाय में नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये कितने देर के लिए डाउन होती है और कैसा इसका रिस्पॉन्स टाइम है, क्योंकि जब आप इनको बाय करोगे ना तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि यार आपको अप टाइम चेक करने के लिए मिले कि भैया आपकी वेबसाइट कितनी देर अप थी है कितनी देर डाउन थी, वो भी आपको चेक करने को नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर। तो मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। इस तरीके से
एक सिंपल सा, आपको जब आप लॉग इन करोगे तो आपको इस तरीके से पेज मिलता है। बाय भी मत करना, पहले वीडियो पूरी देख लो, समझ लो मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगर आपको बाय करना है तो इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से लॉग इन करा, उसके बाद हम आ गए हैं अपने सी पैनल के अंदर। तो ये हमारा सी पैनल है, तो सी पैनल में आपको फाइल मैनेजर मिला, तो इसका लुक पूरा का पूरा पुराना वाला है, ठीक है, बहुत पुराना है। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज स्टाइल में जाओगे, चेंज स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ से इनके कलर चेंज कर सकते हो, दैट्स ऑल। और यहाँ पर से थोड़ा सा लुक चेंज कर सकते हो जो और भी पुराना वाला है, तो यही रहने देते हैं, लेट इट बी, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है, दैट्स गुड। प्रॉपरली मतलब जो सी पैनल होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये एच पैनल नहीं है। बट सी पैनल ना प्रॉब्लम क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसका आधा ज़्यादा डाटा जो यूजर्स होता है वो सी पैनल ले लेता है, तो उसमें थोड़ा सा आपकी वेबसाइट में लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो वो चीज़ एक यहाँ पे तो छोटा सा ड्रॉबैक है, बट ठीक है, ये काफ़ी इजी होता है, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क यूजर्स दिखा देगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। उसके बाद जेट पैक है, यहाँ पे आपको अकाउंट बैकअप बनाओगे, लेकिन आपको वही बैकअप होगा जो पुराना तरीके से बैकअप बनाए थे, डाटाबेस में जाके बैकअप बनाओ और उसको सेव करो, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करो, और जब भी आपका फाइल करप्ट होती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो उस तरीके से हो गया, PHP माई एडमिन मिल जाता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही में आपको ये वाला सेक्शन मिल जाता है ईमेल का, यहाँ से आप सारे ईमेल हैंडल कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो जितने अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं। बट अगेन ये सेक्शन भी है आपका काफ़ी ज़्यादा, ये सब कुछ जो भी यूजेज होगा यहाँ पे वो सारा का सारा आपके होस्टिंग के अंदर ही यूज़ होगा, तो आपके जितना ज़्यादा चीज़ आप इसमें यूज़ करोगे उतनी आपकी वेबसाइट स्लो होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है बैंडविड्थ की, और ये सब AWS स्टैट्स की, और ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की, सिक्योरिटी की, तो हॉटलिंक प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत बढ़िया है, IP ब्लॉकर मिल जाता है, SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने दिया है क्लाउड फ्लेयर दिया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। साइट पैड वेबसाइट बिल्डर, ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे को इसमें बहुत बढ़िया लगी है। बाकी तो सब में मिल जाती है आपको, सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सब में देखने को मिल ही जाती है। उसके बाद यहाँ पर लाइट स्पीड वेब कैश मैनेजर है यहाँ पर, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आप डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस में जाके लाइट कैश प्लगइन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे MIM टाइप मिल जाता है, और यहाँ पर वायरस स्कैनर मिल जाता है, वायरस आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से आप वो चीज़ चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज करने का मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ इसमें कुछ इतना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ नहीं है जो मैं आपको ये बताऊँ। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि मैं इसको क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा आप में से किसी भी यूज़र के लिए। पहले ही बात, इसकी प्राइसिंग तो बहुत चीप है, मतलब काफ़ी सस्ती है अगर मैं बात करूँ, लेकिन इसका सर्वर इंडिया में नहीं, यानी इसका डाटा सेंटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एक भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर इंडिया में नहीं है तो ये फैच होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है आप लोग ये भी सोचेंगे, भाई मेरे को जो फैच होने में टाइम ले रहा है आप देख सकते हो, 2.79 मिली सेकेंड, यानी कि लगभग 2 सेकंड ले रहा है ये रिस्पांस देने में। तो रिस्पांस देने में अगर इतना टाइम लेगा तो मेरी वेबसाइट की तो वॉट लग जाएगी, मतलब बेनिफिट नहीं है। और अभी अगर मैं देखूं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 12 तारीख का, ठीक है, 12 तारीख यानी कि आज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी साइट डाउन हुई है 6 मिनट 16 सेकंड के लिए, ठीक है, और लॉन्गेस्ट 2 मिनट 5 सेकंड के लिए, 4 इंसिडेंट हुए हैं आज जिसमें साइट डाउन हुई है। तो यहाँ पर से मैं एग्जैक्ट चेक कर सकता हूँ मेरी साइट, ये देखिए अब यहाँ पे जो रेड हो रखा है इस टाइम पे डाउन हो रही है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये आपकी वेबसाइट को पूरा ट्रैक करती रहेगी और बताती रहेगी भाई आपकी साइट डाउन कब कब हुई है। तो मैंने ये जनवरी में ही लगाया, मैंने कहा एक हफ्ते में एटलीस्ट लगा के चेक करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसा रिस्पॉन्ड मिला। 5 तारीख को बिल्कुल 100% था, 6 तारीख को भी 100% था, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 4 दिन तक 100% था, फिर उसके बाद दिक्कत आई, आप देख सकते हो एक डाउन टाइम 1 मिनट दिखा रहा है, उसके बाद फिर सही था, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे फिर डाउन टाइम दिखा रहा है 5 मिनट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो डाउन टाइम दिखा रहा है 5 मिनट, यानी कि अगर इसी तरीके से आपकी साइट डाउन होती रहेगी तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर आपको नोट भी दिखाएगा भाई, रिस्पॉन्स समरी भी दिखाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट डाउन हुई है, डाउन टाइम 2 मिनट हुआ है, 12
तारीख को हुआ है और ये टाइम है। क्या एरर था? बैड गेटवे एरर। ठीक है, दूसरा दिखाया गया ये सेम डेट में, यानी कि 12 तारीख को 1 मिनट के लिए डाउन हुई है, टाइम आउट। तो ये सारे के सारे सर्वर के इशू हैं इनके, और जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिक वेबसाइट है, मैंने उसमें कुछ भी इतना हाई इतना कुछ ऐड नहीं करा हुआ है कि उसमें दिक्कत आए। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है इनसे, तो वर्थ नहीं है कि भाई आप इस वेबसाइट में जाके पैसे इन्वेस्ट करो। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, कभी बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है और कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई, ताकि आपको भी क्लियर रहे कि भाई हमें भी अपनी वेबसाइट को ट्रैक कैसे करना है और किस तरीके से वेबसाइट को चेक किया जाता है। जब आपको ये चीज़ पता होगी तभी आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि भाई वेबसाइट को चेक कैसे करना है, तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर मैं ये पूरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालूं 1 तारीख से 12 तारीख तक का, तो 8.59 मिली सेकेंड में ये हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन जो अभी तक का टोटल दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग 2,700 समथिंग मिली सेकेंड है, मतलब लगभग 2 सेकेंड के करीब करीब टाइम ये ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में भी मैं आपको बता, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा फिलहाल के लिए। अभी इनका पहले बहुत बढ़िया था, पहले डाउन टाइम नहीं मिलता था इतना, लेकिन अब इन्होंने जब से अपने कुछ नए प्लान्स लाए हैं और नई नई चीज़ें लाए हैं, तो इनके सर्वर में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और तब से ये सर्वर डाउन ही चलता है, बहुत ज़्यादा रेयर। आप देख सकते हो यार, 7 डेज़ के अंदर इतना डाउन होना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा साइन है। देख सकते हो, 4-7 दिन के अंदर अंदर 3 बार डाउन हुई है वेबसाइट, तो मेरे को नहीं लगता कोई इसका बेनिफिट है, वो भी 11 मिनट के लिए। ये आपकी वेबसाइट पे बैड इम्पैक्ट ही डालेगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है। अब आप इसे बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आप नहीं चाहते इसको बाय करना, दूसरी बाय करना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो है होस्टिंगर का। वो होस्टिंगर बाय कर सकते हो, होस्टिंगर का प्लान काफ़ी सही है, इसी के लगभग में, बल्कि इससे चीप पड़ेगा आपको, और वो बाय कर सकते हो। कूपन कोड लगा लेना शिवा हिंदी, आपको वहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे को भी बतानी थी, मैंने बता दी, और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं है। मेरा वो ऑनेस्ट रिव्यू है और आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से प्रॉब्लम करता है और आपके लिए प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे। तो यार वो चीज़ आप देख लो, मेरा काम था आपको समझाना और बताना, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है। और अगर आप अपनी साइट का करना चाहते हो, यानी कि आप अपनी साइट का भी डाउन टाइम चेक करना चाहते हो, तो ये वेबसाइट है freshping.io, इस पर आप रजिस्टर कर लो और आप अप टू 30 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें टेस्टिंग के लिए 3 वेबसाइट ऐड करी है, तो 1 हफ्ते में मेरे को इसमें ऐसा रिस्पॉन्ड मिला, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। और आप लोगों में से अगर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बोले कि यार अभी ये इनका $1 वाला प्लान चल रहा है, $1 में 3 महीने के लिए, तो हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इसके लिए जाना प्रेफर करें कि भाई नहीं हम जाते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो बाकी आप देख लो यार, आप लोगों को जैसे भी लगता है, मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, मैंने कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्सअप जरूर दे देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो तो घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।